इंदौर की महू पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 1,31,00,000 रुपए नकद बरामद किए। वही 16 अलग अलग बैंक खातों को सीज किया, जिसमें 1,50,00,000 रुपए जमा है। उसे पुलिस आने वाले समय में जब्त करेगी। पकड़े गए आरोपियों के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने विदेशी एप्स, धन गेम व धन कुबेर एप्स के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। महू थाना द्वारा की गई इस कार्रवाई को तक की सबसे बड़ी कार्यवाही माना जा रहा है। धन गेम सॉफ्टवेयर बनाने वाले मनोज मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो सट्टे के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी राजा उर्फ लोकेश वर्मा की मदद करता था। वही पूछताछ में पता चला कि गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुबई से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। वही इसका एक बड़ा नेटवर्क बंगलों से संचालित किया जाता है। अब पुलिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे मामले की जांच कर रही है और पता लगा रही इस गिरोह से और कितने लोग जुड़े हैं। बहुत जल्द ऑनलाइन सट्टे के एक बड़े गिरोह का पुलिस पर्दाफाश कर सकती है, जिसमें एक टीम ने, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू के नेतृत्व में टीम ने काफी बेहतर ढंग से काम किया और इस पूरे टीम ने लगभग 1,31,00,000 रुपए, जो कि काफी एक सट्टे के मामले में काफी बड़ी रकम, उसे जब्त किया गया। और इस पूरे मामले में अब तक लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें कुछ 16 खातों को अलग अलग फ्रीज किया गया है। 1,31,00,000 रुपए पुलिस ने नकद जब्त किए हैं, जो यहाँ पे जब्ती में आपके सामने है, और 1,50,00,000 रुपए अलग अलग बैंक खातों में फ्रीज किए गए हैं, जो आने वाले समय में पुलिस फिर जब्त करेगी। इस पूरे मामले में इसमें एसपी वेस्ट, एडिशनल एसपी, आईपीएस प्रोबेशनर हैं अभिनय, एसडीओपी महू और टीआई महू, सभी लोगों की बहुत अच्छी भूमिका रही। सभी ने लगातार प्रयास से, लगातार मेहनत से इसमें काफी बेहतर ढंग से, समन्वय से काम किया। इस पूरे मामले की अगर कड़ियों को देखें तो जुलाई 2020 में एक प्रकरण पकड़ा गया था। एक सट्टे की सूचना मिली थी, जिसे पुलिस ने प्रारंभिक तौर पे जब उसमें जानकारियां निकाली तो सामान्य तौर पर एक छोटा सा सट्टा था, लेकिन जब तकनीकी तौर पर उस पूरे मामले की विवेचना की गई, जब उसके तकनीकी बहुत सारे छोटे छोटे कड़ियों को जोड़ा गया, ऐसा प्रतीत हुआ कि मामला उतना ही बड़ा नहीं है। ये एक आइसबर्ग की भांति है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा अंदर दबा हुआ है। उसकी जब अलग अलग कड़ियों को पुलिस ने जोड़ा तो एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय कड़ियां भी सामने आई हैं। इस मामले का, इस गिरोह का जो संचालन होता था, उसमें कई इसके महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि पूरे गैंग का संचालन कर रहे थे, उनके बेंगलोर से जुड़े होने की संभावना मिली है, जहां पर काफी बड़े स्तर पर उन्होंने इसका एक ढांचा करके इस पूरे समूह को जोड़ रखा था। और साथ ही साथ कुछ लोगों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें दुबई में भी इससे जुड़े लोगों के होने के कुछ प्रारंभिक संकेत मिले हैं। पुलिस उस बिंदु पर भी जांच कर रही है। यह धन गेम्स जो एप्लीकेशन बनाया गया था, इस एप्लीकेशन का जिस वेबसाइट पे जो होस्ट किया गया था, उसका जो सर्वर है वो फ्रांस में था। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी जो जानकारियां, बहुत सारे लोगों के जो अकाउंट मिले हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक और विभिन्न बैंकों में मौजूद है। पुलिस इन सारे कड़ियों को जोड़ करके कुछ आने वाले दिनों में और न सिर्फ रकम जब्त करेगी, बल्कि कुछ और लोगों का इसमें जिनकी मिली भगत है, जिनकी सहभागिता है, उनको गिरफ्तार करेगी। इस तरह के मामले के आने से पुलिस को बहुत सारी इस गेम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लगी हैं, जिनका उपयोग करके और बड़े पैमाने पर खुलासा होगा। इस पूरे मामले में टीम ने जो काम किया है, सभी को इसमें 20,000 रुपए के इनाम से पुरस्कृत किया जा रहा है और इनको एक प्रशस्ति पत्र से भी पुरस्कृत किया जाएगा। इंदौर से एनके मीना के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।